पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल आया कुछ पल के लिए, सोचा थाम लूँ उस पल को हर पल के लिए, ये पल नहीं रुका एक पल के लिए। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है राजस्थान के मशहूर डॉक्टर जो कोरोना से जंग नहीं जीत पाए, डॉक्टर अशोक पनगड़िया। आज हमारे बीच नहीं रहे, अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली और उनकी हालत बिगड़ी थी कोविड के दूसरे डोज के बाद। देश विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया का शुक्रवार दोपहर करीब 3:50 पर निधन हो गया। पनगड़िया पोस्ट कोविड बीमारी से जूझ रहे थे, लंबे समय से वे वेंटिलेटर पर थे। उनकी स्थिति ज्यादा खराब होने के बाद दोपहर करीब 2:30 पर उन्हें जयपुर स्थित EHCC अस्पताल से उनके निवास पर वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही लाया गया था, लेकिन करीब 1.25 बाद डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। करीब 10 दिन पहले उनकी तबीयत वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद बिगड़ गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं भी उनकी तबीयत पर लगातार नजर बनाए रखे हैं, लेकिन डॉक्टर अशोक पनगड़िया इस कोरोना से अपने जीवन की जंग हार गए। पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया की बात करें तो 2002 में डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया, 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पनगड़िया को 1992 में राजस्थान सरकार की ओर से मेरिट अवार्ड भी मिला। वे SMS में न्यूरोलॉजी के विभाग अध्यक्ष रहे, 2006 से 2010 तक प्रिंसिपल रहे। 2002 में उन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर बीसी राय अवार्ड दिया, 2014 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। उनके 90 से ज़्यादा पेपर जर्नल में छपे चुके हैं। उनकी मेडिकल और सोशल सहभागिता के चलते उन्हें UNESCO अवार्ड भी मिल चुका है। उन्हें कई लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। आज पूरे प्रदेश को उनके लिए शोक की लहर दौड़ गई है। नहीं रहे हमारे बीच पद्मश्री और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया।